देखिए ये अवार्ड में जिनको सम्मानित किया जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस अवार्ड का एक हिस्सा हूँ, और जिनको भी सम्मानित किया जाएगा आई एम श्योर वो सब ने अपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम किया है, या कुछ नाम किया है, या कुछ इंस्पायर किया है लोगों को. सो आई एम हैप्पी टू बी हियर. सैवी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसमें आपको पढ़ने को मिलता है कि जो यू नो आपको ऐसी कहानियाँ मिलती है, ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जिससे इंसान एस्पायर कर सकता है, या यू नो जिसको कहते हैं प्रोत्साहित हो सकता है. तो आई लाइक दैट मैगजीन, इट्स अ नाइस मैगजीन. महिलाओं के लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए, और अभी भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि भाई महिलाओं को एक समान दर्जा नहीं दिया जाता. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं है अभी तक. सो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए. फिल्मों से नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली मैंने कुछ 8 साल पहले मैं खुद ही हट गई थी, और उस टाइम ऐसी पिक्चरें बनती थी या ऐसे रोल्स आते थे, बहुत बोर हो गई थी मैं उनसे. लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं, नई नई टाइप किस्म की बन रही, कंटेंट बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं आई वुड लव टू वर्क ऑन दैट. वैसे फ़िलहाल मैं प्रोडक्शंस जो है एक कंपनी है प्रियंका चोपड़ा जी की, पर्पल पेबल पिक्चर्स, उसमें मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर के का पद संभाल रही हूँ, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आई एम ओवरसीइंग दैट. नहीं, 20 किलो वज़न बढ़ गया है, आपको नहीं दिखता, बहुत अच्छी बात है. लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा कहा था कि दिल साफ़ और पेट साफ रखना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी खाऊं और अपना दिल साफ़ रखूं. किसी के लिए कोई बैर, कोई शिकवा गिला नहीं रहता है मेरे दिल में. आई वुड लव टू कम. अब तो खैर माँ के रोल करूँगी या ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रोल्स करूँगी, एंड आई एम बहुत बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ. लेकिन अच्छा कोई रोल होना चाहिए, तो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू एक्ट इन फिल्म्स. नहीं नहीं, हमारे टाइम में तो फोटोशूट था, और हम लोग इतने पैसे बर्बाद करते थे सिर्फ फ़ोटो प्रिंट करने के लिए. आज के ज़माने में इंटरनेट आ गया है, तो सिर्फ आप मेल पे भेज दो तो आपको प्रिंटिंग के पैसे बच जाते थे. हम लोग कमाते कम थे और प्रिंटिंग फ़ोटोज़ प्रिंट कर करके ऑफिस में छोड़ के जाते थे, और उसमें बहुत खर्चा होता था. मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट मीडिया से बहुत एक्सपोजर मिलता है, एंड आजकल सब इतने अवेयर हो गए हैं. सो इट्स, और आजकल तो जो इंटरनेट पे जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है वो तो बहुत बड़ा स्टार माना जाता है. तो इट्स वेरी गुड, थिंग्स हैव ओपन्ड अप, इट्स गुड, वेरी गुड. ग्रेट, यह मैगजीन बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत मैगजीन है. मैं इसमें फीचर भी हुआ कभी, पर आज सैवी ऑनर अवार्ड्स हैं, और आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, जहाँ पे आई थिंक बहुत हमें बुरी खबरें मिलती रहती हैं. आज एक अच्छी खबर है, एक अच्छी चीज़ है जो होने जा रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर इट. धमाल तो मैं जहाँ पर जाता हूँ धमाल कर ही रहता हूँ, पर आई मीन आज मैं थोड़ा क्या कहते हैं डिम्योर बन के आया हूँ, पर हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ कर दूँ. इट्स पॉसिबल. स्टाइल बदलते, अगर स्टाइल ना बदले फिर आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे, है ना. तो अगर मैं स्टाइल ही बदलूंगा सब बोलेंगे अरे तो ये तो सेम हो गया. अरे आजकल के ज़माने में जब फेसबुक है, यहाँ पे अगर मैंने फोटो कल लगाई और आज मैंने कुछ और लगा दिया, उसके बाद तो बस बोलते हैं कि आपका स्टाइल अलग है. अरे अरे यहाँ पे एक्चुअली गुलशन ग्रोवर के पीछे नहीं, जो उनके साथ कौन है, उनके साथ अच्छा हमारी हीरोइन विरासत की हीरोइन है उनके साथ, तो हमारी विरासत की हीरोइन जो वो भी इंटरनेशनल लेडी है, वो भी आई है सैवी ऑनर 2016 अवार्ड्स में. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होने वाला है. अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो मेरी आंखों में ये जो रोशनी है ना, मेरी आंखों को अंधा कर देगी. क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? रनिंग प्रोजेक्ट.